अगर हमारे पास 1000 आम हैं और उन्हें 1000 आदमियों में बांटना है तो हर एक को एक ही आम मिलेगा, समझ गए ना? लेकिन सर, अगर शून्य को शून्य से विभाजित किया तब भी हमें एक ही मिलेगा, है ना सर? अगर शून्य आम हो और उसे शून्य आदमियों में बांटा दो तब भी हमारे पास एक ही आम बचेगा, है ना सर? ये कैसा प्रश्न है? शून्य का मूल्य होता है क्या? होता है ना सर, गणित के हर नंबर का मूल्य शून्य ही तो बढ़ाता है ना सर? अब देखिए सर, एक का मूल्य सिर्फ एक ही होता है, लेकिन अगर एक के आगे शून्य लगा दे तो 10 बन जाएगा, उसमें एक और शून्य लगा दे तो वो 100 बन जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि शून्य का कोई मूल्य नहीं होता, तो आपकी बात कैसे माने सर?